दोस्तों, अक्सर हम यह सुन रहे हैं कि हमें अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो हमारा पैन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को हम अपने फ्रेंड से भी सुनते हैं और हम न्यूज़ चैनल में भी बार बार सुनते हैं। तो मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूँ, जिसमें कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से हम अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। वैसे मैंने पैन को आधार से लिंक करने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि किस प्रकार से आप लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। लेकिन आजकल सभी के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, लेकिन मोबाइल सभी लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें कि आप मोबाइल की मदद से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकें। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमें अपने पैन को आधार से किस प्रकार से लिंक करना है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु टेक। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप्स को डाउनलोड करना है। इसके लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है लिंक आधार। ये देखिए, लिंक आधार लिखते ही जो पहला वाला दिख रहा है आपको ऐप्स लिंक आधार टू पैन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, लिंक आधार टू पैन कार्ड इजी स्टेप्स अवेलेबल। अब आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने तो इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने पे देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। आपको देखिए यहाँ पे कट का निशान लगा हुआ है राइट साइड में, आपको इसे कट कर देना है। उसके बाद देखिए आप थोड़ा से को स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में लेफ्ट साइड में देखिए लिंक आधार का ऑप्शन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर लिंक आधार के ऊपर क्लिक करना होगा। ये मैं लिंक आधार पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको पैन नंबर भरना है, उसके बाद आधार नंबर भरना है, नेम मैच पर आधार, जो आपके आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है आपको वो यहाँ पर फिल करना है, और नीचे आपको जो इमेज दिख रही है उसके अंदर जो कैप्चा कोड है वो आपको फिल करके लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कई लोगों के आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है, खाली लास्ट का ईयर लिखा होता है, तो उनको ये नीचे दिख रहे बॉक्स पर क्लिक करना है। यदि आपके आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि डेट, मंथ और ईयर लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। अब मेरे पास जो आधार कार्ड है उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इस कैप्चा कोड को भर देता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो कि हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डला हुआ है। चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। चलिए मैं लिंक आधार के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम लिंक आधार के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, कह रहा है कि OTP विल बी सेंट ऑन दिस मोबाइल नंबर, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दो ऑप्शन है, कंटिन्यू और कैंसिल, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। देखिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ये देखिए ये इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है, जिसमें आपको मोबाइल OTP फिल करने के लिए कह रहा है। मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है। चलिए मैं पहले OTP देख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डाल के उसे वैलिडेट कर दूँगा। उसके बाद देखिए वैलिडेट पर क्लिक करना है।
देखिए वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद में ये आपसे कह रहा है कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन ऑफ आधार, प्लीज़ चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार हाइपरलिंक इन द होम पेज। कह रहा है कि आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की एप्लीकेशन आगे भेज दी गई है, आप इसे बाद में चेक कर सकते हैं। दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और बाद में आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक हुआ है अथवा नहीं हुआ है, तो मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बनाकर उसमें समझा दूंगा कि किस प्रकार से आपको ये चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक हुआ है अथवा नहीं हुआ है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहें तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, वंदे मातरम।